भाई हाथ पकड़े मेरे गिर न जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत होंगे। आज का दिन थोड़ा बोरिंग था तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा बाहर घूम फिर ले। तो आज हम जाएंगे इफ्ताबाद हाइट पे, वो सामने माउंटेन जो आप देख सकते हैं, आज हम वहां जाने वाले। अभी हम जाएंगे वहां पे और वहां के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो गाइज हम फाइनली आ चुके हैं इफ्ताबाद हाइट्स पे और यहाँ से ऊपर का रास्ता बाइक पे नहीं था, तो अभी यहाँ से ऊपर हम पैदल जाएंगे और यहाँ का आप व्यू पॉइंट चेक करें ज़रा, यहाँ से आपको पूरा इफ्ताबाद नज़र आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, मतलब प्लाटिंग है कुछ सिस्टम है यहाँ पे। तो अभी बाइक तो हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है और अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ से बाइक ऊपर नहीं जा सकती। तो दोस्तों हम अभी काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पे। सो अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, रास्ता तो थोड़ा खतरनाक है लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। आरिफ भाई हाथ पकड़े मेरे, गिर न जाऊँ। मेरे साथ हारिस भाई है। हारिस भाई आप यहाँ पे आए हो पहले? अच्छा आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए? अच्छा। इतनी हाइट पे हाइकिंग पे आया हुए हैं लेकिन चप्पल में आया हुए हैं। हम पहुंच चुके हैं और विनेश भाई भी काफी थक चुके हैं। रास्ता वैसे थोड़ा मुश्किल था, हाइट यार उसी जगह काफी हाइट पे ना, इसलिए मेरा खुद फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। नीचे तक तो मैं आया हूँ पर इतनी हाइट पे ऊपर करने है। और यहाँ पे ऊपर देखे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर यहाँ वो कच्चा मकान बना हुआ देखो, वो ऊपर देखे कच्चा मकान भी है वहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ लोग आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ मुनीब भाई है जो कि कराची से आए हैं, तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि इफ्ताबाद इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। मुनीब भाई आप कराची से आए हैं? जी भाईजान। तो कब से आप आए यहाँ पे? महीना हो गया मेरा। अच्छा महीना हो गया आपका, तो इफ्ताबाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाईजान, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इफ्ताबाद की कौन सी खास बात आपको अच्छी लगी? यहाँ के लियासी पकौड़े बहुत टाइट लगे हैं मुझे। अच्छा आपने ट्राई किए हैं? जी जी बहुत अच्छे लगे हैं भाईजान, बहुत टाइट। आप कराची से इफ्ताबाद आ तो गए, इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे हैं भाईजान, सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर, लोग बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे भाई, खेरियाँ पहन के स्कर्ट मार के सब साफ़ सुथरे रहते हैं और यहाँ की खुली हवाएँ पहाड़ दरख्त सुकून ही सुकून है यहाँ पर। अच्छा और कराची और इफ्ताबाद में आपको क्या डिफरेंस देखते हैं? बस कराची का माहौल गंदा है, यहाँ का माहौल अच्छा है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ आपको सनसेट दिखाने वाला हूँ, ये आप देख सकते हैं इफ्ताबाद का नज़ारा है पूरा। इसके अलावा अगर आप भी हाइकिंग के शौकीन हैं तो इफ्ताबाद वालों हर वीक यहाँ आया करो, आपको यहाँ एबर्ट हाइट्स पे ज़रूर आना चाहिए।
यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, और यहाँ से आपको पूरा इकबाबाद नज़र आ जाता है। कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आपका। हारिस भाई ये हमारे प्यारे हारिस भाई है। हारिस भाई आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? यहाँ के बहुत दिल खुश हुआ है हमारा, क्योंकि जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अहमदाबाद अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ। शाम हो चुकी है और अभी हम वापस जाने वाले हैं। नेत भाई बोल रहे कि फ़ोन जेब में डाल दो। चलिए ठीक है, आपकी मान लेंगे क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ पे। नीचे पहुँच के आपसे फिर मिलते हैं, हाँ आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी हाइकिंग भी की और काफ़ी इंजॉय किया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।